Assalamualaikum, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, Kasimabad, Hyderabad. So, जी guys, हम मैथ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मैथ कंटिन्यू है. तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यू समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि जो वीडियो यहाँ से हर वीडियो जो अपलोड होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा एंड आप मैथ्स कंटिन्यू समझ सकेंगे, सीख सकेंगे. ठीक है गाइस? सो जी गाइस, आइए आज की क्लास में हम जो समझने जा रहे हैं वो क्या है. तो एक्सरसाइज 3.1 कंटिन्यू है जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 समझेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 वही है, इक्वेशंस को सॉल्व करनी है बाय द कंप्लीटिंग इज रिक्वायर्ड और अदरवाइज और कोई मेथड अप्लाई करके सॉल्व करनी है इक्वेशंस को. ठीक, तो इक्वेशंस मींस जो यहां पर है किस टाइप की इक्वेशन है. अब देखिए पार्ट नंबर 4 में x plus 2 मल्टीप्लाई x plus 1, दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल्स टू 4x minus 1 मल्टीप्लाई x minus 2. अगेन यहां पर भी दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इक्वेशन पे, देन बाद में डिसाइड करेंगे इक्वेशन कौन सी है, कैसे सॉल्व करें. ठीक है, सो आइए देखते हैं सॉल्यूशन. पहले इस इक्वेशन से हम ऐसे लेते हैं x plus 2 ब्रैकेट x plus 1 ब्रैकेट 4x minus 1 ब्रैकेट x minus 2 ब्रैकेट. ठीक है, अब करना है फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट के साथ. तो फर्स्ट ब्रैकेट के हर टर्म को सेकंड ब्रैकेट के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड ब्रैकेट x plus 1 के साथ. देन फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस 2 वो भी मल्टीप्लाई होगा x plus 1 सेकंड ब्रैकेट के साथ. सही है, इज इक्वल टू साइन. अगेन इस साइड पे फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म 4x सेकंड ब्रैकेट के टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 सेकंड टर्म माइनस 1 भी मल्टीप्लाई होगा सेकंड ब्रैकेट के साथ. ठीक है स्टूडेंट्स, इस सिस्टम इज सिंपली फर्स्ट ब्रैकेट में जो दो टर्म्स थे दोनों टर्म्स को सेपरेटली जस्ट लिखा है सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. अब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म होगी x मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे x इनटू x x स्क्वायर प्लस साइन x मल्टीप्लाई करना ब्रैकेट में दो टर्म्स है तो ये x दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा x इनटू 1 x प्लस 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस यहां पर भी प्लस है तो प्लस इनटू प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 2 इक्वल टू साइन. उस साइड पे 4x मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे 4x x स्क्वायर माइनस साइन 4x मल्टीप्लाई 2 से होगा 4 टू द 8 x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x 1x x माइनस साइन यहां पर भी माइनस है तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस के साथ माइनस इनटू माइनस प्लस 1 टू द 2. ठीक है, हर ब्रैकेट के साथ जो ब्रैकेट के बाहर नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उस नंबर को मल्टीप्लाई किया है. नेक्स्ट स्टेप में सिंपलीफिकेशन कैसे, x स्क्वायर ये प्लस x यहां पर प्लस 2x दोनों साइड में x मींस 1x ये 2x दोनों पॉजिटिव पर दोनों का वैल्यू सेम है तो इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं. x में 2x प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3x plus 2 sin equals to 4x square sin. ठीक, अब इस साइड पे 8x minus x sin वेरिएबल में ट्रम है. ठीक है, दोनों की साइन सेम है तो 8x यहां पर x means 1 sin सेम है नंबर प्लस हो जाएगा तो ये जाएगा 9x minus का plus 2 minus 9x क्यों, क्योंकि साइन सेम है तो नंबर्स को प्लस किया साइन वो ही लिखी जाएगी. ठीक है, अब इस साइड पे भी इक्वेशन है
उस साइड पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, 4x स्क्वायर या फिर सिंपली x स्क्वायर। तो अब डिसाइड करना है लार्जर साइड कौन सी है, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल से स्टार्ट करें, x स्क्वायर, उस साइड पे भी x स्क्वायर वेरिएबल मौजूद है, तो वो 4x स्क्वायर है, यहां पर सिंपली x स्क्वायर, तो मींस लार्जर साइड उस साइड पे डिसाइड लार्जर है, सही है। तो इस साइड पर जितने भी टर्म्स है हर टर्म को साइड पे शिफ्ट करें, सारे टर्म किसी एक साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो एक ही क्वेश्चन बना लिया। तो उस साइड वाले टर्म पहले देखते हैं, 4x स्क्वायर 9x माइनस में प्लस 2 x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, उस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, 3x प्लस में उस साइड माइनस में हो जाएगा, 2 माइनस का इक्वल टू 0, 0 क्यों, क्योंकि ये सारे टर्म हमने शिफ्ट कर दिए हैं उस साइड पे, तो इस साइड पे बाकी 0 रह गया, तो सारे टर्म शिफ्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो 4x स्क्वायर ये माइनस x स्क्वायर सर वेरिएबल है, तो 4x स्क्वायर में x स्क्वायर माइनस कर देते हैं, पर मींस 1, तो 4 में 1 माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर सर रहेगा, जस्ट कोफिशिएंट इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा एडिशन एंड सबट्रैक्शन में। उसके बाद 9x प्लस माइनस 3 3x भी माइनस 3, दोनों के साइन सेम है, दोनों में वेरिएबल सेम है, इसलिए ये दोनों टर्म्स आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं, 9 माइनस 3 माइनस 2 ऐड करेंगे तो ये जगह टर्म माइनस का x, 2 प्लस 3 2 माइनस 1 कैंसिल हो गया इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। सो देखिए दो टर्म्स है, x स्क्वायर वेरिएबल और x इक्वेशन कौन सी बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली अगर आपको ज़हन में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरली तीन टर्म्स होते हैं, x स्क्वायर, x एंड देन कांस्टेंट टर्म। तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ दो टर्म्स हैं, वेरिएबल स्क्वायर एंड वेरिएबल वन। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व करें बाय मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर और अदर वन, कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से करें या और कोई मेथड अप्लाई करें, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं कर रहे, दूसरा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 12x दोनों में से कम 3 कॉमन ले सकते हैं एंड x भी कॉमन ले सकते हैं, 3 का टर्म 12 में 3 दोनों को लग सकता है तो कॉमन टेक आउट कर रहे हैं, सिर्फ x भी कॉमन लिया, 3x स्क्वायर में 3x कॉमन आ गया, बाकी 3x निकल चुका है, बाकी सिर्फ x, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 3 को कॉमन ले लिया, तो 4 12 में 3 कॉमन लिया है, 12 डिवाइडेड बाय 3 4 x कॉमन ले लिया इक्वल टू 0, सही है, कॉमन लेने के बाद अब 3x एंड सेकंड फैक्टर इज x माइनस 4, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0 के, दोनों को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। अब सेपरेट कैसे लिखते हैं, देखें 3x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वल टू 0 के हैं तभी हम शिफ्ट कर सकते हैं, इक्वल टू एन नंबर होता तो इस तरीके से अलग नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 है इसीलिए सेपरेट किया है, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 से डिवाइड मिल जाएगा, रेंज ऑफ x इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय नंबर 3, आंसर 0 रहेगा। यहां पर x के साथ 4 माइनस में तो 5 पे शिफ्ट करें ये 4 प्लस में शिफ्ट हो जाएगा, सही है। तो x की दो वैल्यू सूट गई, इक्वेशन कौन सी थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मींस वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 2 था तो वैल्यूज भी x की 2 होगी, तो दीस आर द टू वैल्यूज, सही है। अब देखिए सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर क्या है और अदरवाइज मींस और कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, हमने सिंपली कॉमन लिया डायरेक्ट आंसर, सिंपल है। तो फाइनली आंसर जो होगा सॉल्यूशन से equal to 0 comma 4, ये है solution answer of the fourth part of question number 6 का fourth part, ठीक है students। so उम्मीद है समझ में जरूर आ गया होगा, simple था, अगर समझ में नहीं आया कोई भी point तो इसी lecture को again and again उसी point को आप देखें, समझने की कोशिश करें, फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इस video के नीचे comments छोड़ दें,
कमेंट्स में लिखें ये चीज समझ में नहीं आई, एक्सप्लेन इट अगेन, तो दो बार हम वो एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझ आने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।